साथियों स्वागत है आपका ज्योति इलेक्ट्रिकल में। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीटी के कनेक्शन कैसे करते हैं और कैसे उसको ट्राइवेक्टर मीटर वोल्ट मीटर वगैरह के साथ में कनेक्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनडीआर के लिए पीटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। या तो आप एनडीआर के लिए अलग से ट्रांसफार्मर भी ले सकते हैं या पीटी को आपस में कनेक्ट करके भी एनडीआर का लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात है कि हम एक पीटी के ड्यूल आउटपुट वाले पीटी ले सकते हैं, ये हमें पहले लेना ही होता है अगर हमें एनडीआर के लिए इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप अलग से पीटी आपको लेना पड़ेगा। जैसे ये देखिए हमारा ड्यूल आउटपुट की पीटी है, ये दिखा रखा है ड्राइंग में, और इसके जो एलवी साइड है उसको हमने डेल्टा में कनेक्ट कर दिया, ये देखिए। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये दो पॉइंट जो बचा इसको हम लोग ओपन डेल्टा बोलते हैं, ओपन डेल्टा। और इसके पॉइंट को अर्थनी करना होता है और इसके पॉइंट इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो हमारा होता है एनडीआर, या इसको ये कह सकते हैं आरवीटी वाले के लिए जो वोल्टेज प्राप्त होता है रेजिडुअल वोल्टेज ट्रांसफार्मर वो बताता है। आजकल क्या है कि बहुत जगह अनबैलेंस लोड वगैरह में अर्थ फॉल्ट की दिक्कत आती रहती है, रेगुलर अर्थ फॉल्ट पे ब्रेकर ट्रिप मारते रहते हैं, तो और अर्थ फॉल्ट के रिले के साथ में उसी के अंदर एक फंक्शन दिया रहता है एनडीआर। जब कभी भी लोड अनबैलेंस होता है तो वो एनडीआर का वोल्टेज को मेजर करके ट्रिपिंग का कमांड देता है, जिसको हम लोग अपनी जरूरत के अनुसार वोल्टेज को कम ज्यादा सेट भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल कंडीशन में इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो वोल्टेज होती है वो 0 वोल्ट के लगभग बराबर होती है, लेकिन जैसे ही अनबैलेंस लोड बढ़ता है इनके बीच वोल्टेज जनरेट होता है और वो रिले सेंस करके और फिर ट्रिपिंग का कमांड देती है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।